उस दिन हमने बहुत सारी मधुमक्खियां देखी उस दीवार पे। आज भी वो महिष्मती वो दीवार के उस पार रहते हैं। उस नागमणि को पाने के लिए हमें उन लोगों की मदद लेनी होगी जो दीवार के उस पार रहते हैं। उन लोगों को इस पार लाने के लिए हमें वो दीवार तोड़नी होगी, और ये काम सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन ही कर सकती है। तुझे ये सब कैसे पता? कैसे भूल गई कि मैं भी उसी घराने से हूं जो नागमणि की रक्षा करते हैं। लेकिन मुझे मुझे अपनी रक्षा करना है, इसलिए मुझे वो नागमणि चाहिए। और अब ये बहन उस दीवार को तोड़ेगी जो उसके भाई ने बनाई थी। बाबा, हम अकेले इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेंगे? तुम्हें इतने सारों से नहीं, उसे एक इच्छाधारी नागिन से। जो दीवार तोड़ने आएगी वो दीवार नहीं टूटनी चाहिए। हम वो दीवार कभी टूटने नहीं देंगे बाबा। उस दीवार को तोड़ूंगी मैं। नागिन हूँ, नागिन हूँ। दो दिन बाद अमावस्या है, सिर्फ उसी दिन एक इच्छाधारी नागिन वो दीवार तोड़ सकती है। हमारी हवेली के उस पार एक जंगल है, उस मैदान में वो दीवार है। ऋतिक, हमें अभी वहां जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना बाबा। नागिन, ये सब तो मर गई, कैसे? नागिन को डसने चली थी ये महिष्मती की मधुमक्खियां। नहीं जानती थी बेचारी कि अगर मेरा जहर इन पे चढ़ेगा तो इन पर क्या असर होगा। मधुमक्खियां मर गई। मेरे बेटे के लिए तू सबसे परफेक्ट है। ये शहद देती थी, तूने इन्हें जहर दे दिया। हनी, आई हैव स्टंग द किड्स। इससे पहले कि ये हमें देख ले, हमें यहां से जाना चाहिए। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो नागमणि शिवन्या के पास है या ऋतिक के पास, पर उन्हें हम ढूंढे कहां? गुरुदेव हवन कुंड में भस्म डालकर देख लेते थे कि कौन कहां है। मैं जानती हूं कि वो कौन सी भस्म है। ऋतिक शिवन्या के बारे में पता लगाना है तो तुम्हें मेरे साथ शिव मंदिर चलना होगा। ठीक है, चलो चलो। कैसे रोकेंगे शीशा को दीवार तोड़ने से? मैं रोकूंगी उसे। पर कैसे? ये बात तो वही बता सकते हैं। कौन? योगी राज। हमें शिव मंदिर जाना होगा ऋतिक। सिर्फ योगीराज ही बता सकते हैं कि शेषा को वो दीवार तोड़ने से कैसे रोकना है। चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो हमें नहीं देख सकता। मैं जाकर भस्म लेकर आती हूँ। पता नहीं वो भस्म कहाँ रखती गुरुदेव ने।
और कितनी देर लगाएगी ये काली नागिन? अपने अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं। ओम नमः शिवा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? बाबा हमें। मुझे लगा कोई और था। नहीं बाबा, हमारे सिवा यहाँ पर कोई और नहीं है। बाबा हमें आपकी मदद चाहिए। आप में शिवजी बसते हैं और आप शिवजी में। शेषा उस नागमणि को पाना चाहती है जो शिव की धरोहर है। वो दीवार को तोड़ के महिष्मति को इस पार लाना चाहती है। उस दीवार को जिसने सदियों से महिष्मति को रोक रखा है। अगर महिष्मति यहाँ आ गए तो विनाश आ जाएगा। आप ही बताइए कैसे रोके उस इच्छाधारी नागिन को उस दीवार को तोड़ने से। बाबा कोई तो रास्ता होगा ना शेषा को रोकने का। अब एक ही रास्ता है, इच्छाधारी नागिन को अगर दीवार तोड़ने से रोकना है तो उसे अपने वश में करना होगा। इच्छाधारी नागिन को अब सिर्फ एक ही वश में कर सकती है। कौन बाबा? महाकाली। गौरी का अवतार है काली, शिव की शक्ति है काली। शिव की धरोहर को रोकने के लिए स्वयं शिव को आना होगा। शिव की धरोहर की रक्षा स्वयं शिव की शक्ति ही कर सकती है। हम यहां से क्यों आई हैं? और ये दरवाजा पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। आ गई तू? कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। सुन, वो नागमणि ऋतिक के पास है और ऋतिक से वो नागमणि हमें हासिल करनी है, तभी तुम वो दीवार तोड़ पाओगे। अगर उन दोनों ने वो पूजा कर ली तो तुम वो दीवार कभी नहीं तोड़ पाओगे। कुछ भी कर, ये पूजा नहीं होनी चाहिए। अपना काम तो ठीक से करती नहीं है, मुझ पर हुक्म चलाती है। पिछली बार शिपनिया को नहीं मार सकी तू, लेकिन इस बार मेरे वार से नहीं बचेगी वो। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगी तो पूजा कैसे करेगी? और एक बार शिपनिया मर गई उसके बाद फिर ऋतिक सिर्फ तुम्हारा। उस नागमणि के लिए कहां से कहां तक पहुंच गए। पहले आंकी जी को रास्ते से हटाया, ऋतिक जो मेरा बेटा है ही नहीं उसे बेटा बेटा कहके बेवकूफ बनाया। शिवन्या को मारने की कोशिश की, ऋतिक को मारने की कोशिश की और वो दोनों बच गए। लेकिन अब वो नागमणि उन दोनों से हमें लेनी है। गलती से भी कोई गलती ना हो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। शिवन्या को सिर्फ ऋतिक बचा सकता है, जैसे पिछली बार बचाया था। इसलिए ऋतिक को शिवन्या से दूर करना होगा।
ठीक है, तू जा, मैं भी आती हूँ।